अगर हम कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मोस्ट सक्सेसफुल शोज की हम बात करें तो बालिका वधू सीजन वन सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ऑडियंस ने इतना ज़्यादा इस शो को पसंद किया था। अब तक इस सेल के दो सीजन आ चुका है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश दत्ता एंड आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स टीवी के शो बालिका वधू सीजन वन की ओपनिंग टीआरपी, हाईएस्ट टीआरपी, लोएस्ट टीआरपी और क्लोजिंग टीआरपी की हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये जो सीरियल है बालिका वधू सीजन वन, ये सीरियल स्टार्ट हुआ था 2008 में। इस शो में हमको देखने को मिला था बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्स, जैसे हम बात करें अविका गौर, इस शो में चाइल्ड एक्ट्रेस के हम रूप में हमको देखने को मिला था। उनके अलावा सासंग व्यास, अविनाश मुखर्जी, सिद्धार्थ शुक्ला, ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स इस शो में हमको देखने को मिला था। इस सीरियल की हम बात करें जो कहानी बाल विवाह के ऊपर बेस्ड था, और ऑडियंस को इस सीरियल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इस सीरियल के जो दूसरा सीजन कुछ समय पहले ही कलर्स टीवी पर देखने को मिला था, जिसमें शिवांगी जोशी हमको देखने को मिला था, लेकिन ये जो दूसरा सीजन इतना कुछ कमाल नहीं कर पाया टीवी पर और बहुत जल्द ऑफेयर हो गया। अभी हम बात करेंगे जो बालिका वधू सीजन वन की जो ओपनिंग टीआरपी थी वो थी 0.7। तो देखिए, जो ओपनिंग इतना कुछ खास नहीं था, 0.7 था, लेकिन जो हाईएस्ट टीआरपी 10.2, तो देखिए 0.7 से 10.2 की टीआरपी, तो कितना एक ब्लॉकबस्टर सीरियल था। लोएस्ट टीआरपी 0.5, क्लोजिंग टीआरपी 0.5, तो ये जो सीरियल एक ब्लॉकबस्टर सीरियल था, क्योंकि जो टीआरपी देखे 10.2 की टीआरपी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था। और सीरियल की जो अभिका गौर की जो आनंदिका किरदार है, ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। क्या आप लोगों ने भी ये सीरियल देखा था, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।